नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जानकारी मिल रही है कि कुर्स में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये हमारी आज की पहली ब्रेकिंग है। दूसरी ब्रेकिंग है, यूक्रेन के हमले में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। और इसी के साथ ही हमारी थर्ड ब्रेकिंग है, यूक्रेन ने Ka-52 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन ने मैनपैड से हमला किया है। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कुर्स में रूसी सेना को लगातार मिल रहे झटकों से जुड़ी हुई। इस बीच हम आपको पहली ब्रेकिंग न्यूज बता दें एक बार फिर से, कुर्स में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीरें आ गई हैं, ये देखिए इस वक्त कुर्स में रूसी सेना को बहुत बड़े नुकसान की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। यूक्रेन के हमले में रूसी हेलीकॉप्टर किस तरह से तबाह हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुर्स्क में रूसी सेना को यह सबसे बड़ा अटैक देखने को मिला है। पहले कुर्स पर हमला और फिर रूस के चार और प्रांतों में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ। सवाल अब रूसी संप्रभुता का है। यही वजह है कि पुतिन अपने सबसे घातक हथियार यानी परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की शान को कायम रखने के लिए पुतिन एटमी ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन रूस की मीडिया यूक्रेनी मंशा पर सवाल उठा रही है। दावा है कि मौजूदा माहौल फायदा उठाकर यूक्रेन डर्टी बम से कुर्स्क और ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट में धमाका कर सकता है, ताकि युद्ध का दायरा रूस यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप तक फैल जाए। एक तरफ दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश रूस, तो दूसरी तरफ एक भी परमाणु वॉरहेड नहीं रखने वाला यूक्रेन। लेकिन आपको हैरानी होगी कि रूस को यूक्रेन पर एटमी धमाका करने का शक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन एटमी धमाका कैसे कर सकता है, तो जवाब है ये दो तस्वीर। एक कुर्स्क का परमाणु प्लांट है, तो दूसरी यूक्रेन की जमीन पर मौजूद ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। रूस भले ही अपने परमाणु बॉम्बर से दुनिया में कहीं भी एटम बम गिरा सकता है, लेकिन अगर इन दो परमाणु प्लांट में धमाका हो गया तो तबाही वैसी ही होगी जैसी किसी एटमी हमले से होती है। रूस की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी परमाणु प्लांट पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन धमाका कर सकता है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन नेटो को सीधे तौर पर युद्ध में खींचने के लिए प्लान बना रहा है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, कुर्स्क परमाणु प्लांट में धमाका हो सकता है, ज़ेपोरिजिया में भी धमाके का प्लान तैयार है। कुर्स्क में भयंकर जंग छिड़ने और रूसी प्रांतों में यूक्रेनी सेना के घुसने के बाद नेटो को रूस के परमाणु हमले का अंदेशा है।
अब यूक्रेन डर्टी बम के इस्तेमाल से रेडिएशन फैलाकर इसी मौके का फायदा उठा सकता है। आमतौर पर हवा का रुख समुद्र से जमीन की तरफ रहता है, इसलिए रूस को रेडिएशन से सबसे अधिक खतरा है। कुर्स्क से रूस के कई शहरों में रेडिएशन हो सकता है, जबकि ज़ेपोरिज़िया से यूरोप में भी तबाही आ सकती है। यूक्रेन के लिए भले ही ये आत्मघाती प्लान है, लेकिन मौजूदा दौर में यूक्रेन को अपने अस्तित्व को बचाना है, तो वही रूसी जमीन पर यूक्रेन के लगातार जीत से सवालों में रूस की साख है। यानी ये जंग रूस की साख और यूक्रेन के अस्तित्व पर आकर टिक गई है। और दोनों देश एटमी हथियारों के जरिए ही जीत को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। यूक्रेन अगर एटमी धमाका करता है और रूस पर आरोप लगाता है, तो अमेरिका रूस में सीधी जंग शुरू होगी। रूस नेटो से युद्ध में उलझ जाएगा। रूस का यूक्रेन मिशन कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, तो यूक्रेन फौज कुर्स्क छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। नेटो देशों में रूस के नाम की दहशत बढ़ जाएगी। लेकिन इन तैयारियों के बीच यूक्रेन का मिशन जारी है। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने के लिए हाइबर से एक पुल को उड़ा दिया। यूक्रेन अब लगातार ब्रिज और पुल को टारगेट करने वाला है। आपको यूक्रेन की पूरी रणनीति बताते हैं। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को गिरा दिया है। ये पुल कुर्स्क के ग्लुश्कोवस्को नाम के इलाके को बाकी जगहों से जोड़ता है। अब इस हमले का असर ये हुआ है कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई है, हथियारों और रसद की सप्लाई भी नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ ग्लुश्कोवस्को का संपर्क कट गया है। यहाँ रूसी सैनिक चारों तरफ से घिरे गए हैं। और इधर रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन एक खास प्लान के तहत काम कर रहा है, जिसमें कुर्स्क में तीन और पुल को टारगेट किया जाएगा। तीन पुल को उड़ाने के बाद पश्चिमी कुर्स्क का हिस्सा पूरी तरह कट जाएगा और यूक्रेन का 700 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके पर कब्जा हो जाएगा। कुर्स्क में भीषण जंग के बीच सूमी भी धधक रहा है, क्योंकि यहीं से कुर्स्क पर आर्टिलरी प्रहार हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए सूमी में मौजूद हाइमार सिस्टम से मिसाइलें दागी जा रही। कुर्स्क के अलावा बेलगोरोद में भी यूक्रेनी सेना घुसने में कामयाब रही है। ब्रियांस्क और वोरोनिस में भी यूक्रेनी सेना रूस के सैनिकों पर हावी हो रही है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एटमी रेडिएशन की साजिश पर कीव से जवाब दिया गया है। यूक्रेन ने यूरोप की सीमा पर रूस के भारी हथियारों की तैनाती पर सवाल उठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ज़ेपोरिज़िया में धमाका कर सकता है। कुर्स्क के प्लांट में भी धमाका करने की योजना है। अफरा तफरी के बीच रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस में यूरोप और अमेरिका के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के पास रूसी संप्रभुता को बचाने के लिए अब दो ही रास्ते हैं, पहला परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प तो दूसरा यूरोप या बाल्टिक देश पर हमला करना। पुतिन किसी तरह से नेटो देशों में भय पैदा करने की कोशिश में हैं ताकि यूक्रेन को कुर्स्क मिशन में मिल रही मदद रोकी जाए और नेटो देशों को यूक्रेन से दूर किया जाए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की हवाई ताकत बेहद कमजोर है, लेकिन अब रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गिराकर यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया है। यूक्रेनी फौज अब कुर्स्क में मैनपैड्स का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक कुर्स्क में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रूस लगातार हमले कर रहा था। यूक्रेन का विस्तार बॉर्डर कुर्स्क पार। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में अब रूसी झंडे उतारने के साथ रूस के बॉर्डर के निशानों को भी तोड़ रही है और जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन का विस्तार अब कुर्स्क तक हो चुका है। यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें डराने की जगह उन्हें मदद देने का भरोसा दे रहे हैं। इस तरह के वीडियो से पुतिन की बेचैनी और बढ़ रही है, क्योंकि डॉनबास और लुहांस से रूस ने ऐसे ही वीडियो को जारी करवाया था। अब यूक्रेन उसी तरह से रूस को जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि कुर्स्क में रूसी सेना का भीषण पलटवार हुआ है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर बमबारी हुई है। K-52 हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमले की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वहीं दो दिनों से क्रीमिया लगातार जल रहा है। रूसी सेना कुर्स्क को बचाने में जुटी हुई है। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्रीमिया पर खतरनाक हमले कर रही है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रीमिया में दूसरी बार बहुत बड़ा वज्रपात किया है। सवाल यही है कि यूक्रेन ने अचानक क्रीमिया पर हमले क्यों तेज कर दिए हैं? ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का इसके पीछे मकसद क्या है? जिस वक्त रूसी सेना अपने प्रांत कुर्स्क को बचाने में जुटी है, उसी वक्त उसके कई शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। रूसी सेना कुर्स्क फ्रंट पर फंसी हुई है। यूक्रेनी फोर्स इसका फायदा उठाकर क्रीमिया को जला रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया में लगातार दूसरे दिन बड़ा विस्फोट कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक के बाद एक इतने धमाके किए कि न सिर्फ रूसी सेना बल्कि क्रेमलिन भी दहल गया। चौबीस घंटे में क्रीमिया और ब्लैक सी पर लगातार दूसरी बार बारूदी वज्रपात हुआ। यूक्रेनी फोर्स के इस हमले से क्रीमिया पर भी अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा। दो दिन में लगातार दो बड़े हमलों से क्रीमिया में विनाश की आग भड़क गई है। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में रूसी सेना को एयर बेस और नेवल बेस पर बहुत नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में रूस के एयर बेस को दहलाया, नेवल बेस पर कई धमाके किए, हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। हमले में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन भस्म हो गए।
क्रीमिया में यूक्रेन ये ब्लास्ट उस वक्त कर रहा है जब रूसी सेना ने कुर्स को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। क्रीमिया में इस बार जो हमला हुआ है वो यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। लगातार दो दिन से यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट के बेस और रूस के एयरबेस पर धमाका कर रहा है। दो दिनों के अंदर यूक्रेन के हमलों से रूस के दो लड़ाकू विमानों को नुकसान के रिपोर्ट है। ब्लास्ट की वजह से दो युद्धपोतों को भी नुकसान होने की खबर है। 8 एयर डिफेंस सिस्टम जल चुके हैं, 6 रडार ध्वस्त हो चुके हैं, 5 हथियार गोदाम जलकर राख हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को भी तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने अमेरिकी मिसाइल अटैक एमएस से क्रीमिया पर हमला किया, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। रूस ने अटैक एमएस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि आखिर क्रीमिया में अचानक यूक्रेन के हमले क्यों बढ़ गए हैं? क्रीमिया में विध्वंसक प्रहार के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का प्लान क्या है? अब इसे भी विस्तार से समझने की जरूरत है। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यहीं पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ब्लैक सी फ्लीट से ही यूक्रेनी शहरों पर रूस क्रूज मिसाइलों से हमले करता है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस क्रीमिया एयरबेस का भी इस्तेमाल करता है। रूसी फाइटर जेट क्रीमिया एयरबेस से उड़कर यूक्रेन के अंदर हमले करते हैं। और इतना ही नहीं, दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई क्रीमिया से ही होती है। यही वजह है कि यूक्रेन क्रीमिया पर भीषण हमला कर इस पर कब्जा करना चाहता है। सवाल यही है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला हुआ तो क्या होगा? क्रीमिया पर कंट्रोल होते ही यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकता है। ब्लैक सी फ्लीट तबाह होगी तो यूक्रेन पर काला सागर से होने वाले मिसाइल हमले रुक जाएंगे। क्रीमिया में मौजूद रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। रूस के फाइटर जेट क्रीमिया से उड़ान नहीं भर पाएंगे। रूसी फाइटर जेट क्रीमिया से उड़कर यूक्रेनी शहरों को दहला नहीं पाएंगे। दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट जाएगी। यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को तबाह कर सकता है। ऐसे में रूस का क्रीमिया से संपर्क कट जाएगा और इस तरह जंग में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले लगातार सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी फोर्स हर दिन अलग अलग हथियारों से प्रहार कर रही है। अटैक एमएस मिसाइल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, हाइमर्स, मागुरा ड्रोन, जल ड्रोन, ये वो हथियार हैं जिनसे यूक्रेनी फोर्स रूस के आन बान शान यानी क्रीमिया को जला और दहला रही है। अलग अलग हथियारों से हमले की वजह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा रहे हैं। रूस क्रीमिया की रक्षा इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुर्स्क को बचाने के लिए उसने क्रीमिया से अपनी कई सैन्य टुकड़ियों को कुर्स्क भेज दिया है। क्रीमिया से कई एयर डिफेंस सिस्टम भी कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में तैनात कर दिए हैं। जिस वक्त रूसी सेना का पूरा ध्यान कुर्स्क पर है, उसी वक्त यूक्रेन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रीमिया पर हमला कर रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि क्रीमिया में सैन्य अभियान बहुत तेज कर दिया गया है। रूस के अंदर यूक्रेन को मिल रही सफलता से नेटो के हौसले बुलंद हैं।
स्वीडन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, यही वजह है कि रूस उसके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। क्रीमिया में रूस यूक्रेन के हमलों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। आधी रात को रूस ने MI-8 और KA-29 हेलीकॉप्टर से हमला कर यूक्रेन के 5 बोट्स को समुद्र में डुबो दिया। रूस ने क्रीमिया का बदला यूक्रेन के नेप्रोपेत्रोवस्क में लिया। यहां रूस ने यूक्रेनी एयरबेस पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के एयरबेस पर इस्कंदर मिसाइलों से धावा बोला। हमले के बाद एयरबेस की इमारत आग के लपटों में घिर गई। एयरबेस पर रूस के इस्कंदर हमले से यूक्रेन का SU-24 लड़ाकू विमान तबाह हो गया। इसी एयरबेस पर यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट के जलने की भी खबर है। जाहिर है रूसी सेना ने जिस तरह से विध्वंसक हमले करने शुरू किए वो इस बात का संकेत है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु धमाके से भी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, सूमी में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। लेंसर ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। हमने यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट खत्म हो गई। कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद था, लेकिन अचानक से जेलेंस्की के सैनिक कुर्स्क में घुसकर तबाही मचाने लगे। अब कुर्स्क के काफी बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। इसमें हैरानी की बात यह है कि कुर्स्क को यूक्रेन से छुड़ाने के लिए रूस फ्रंट फुट पर कोशिश करता हुआ नहीं दिख रहा। दरअसल इसके पीछे पुतिन का प्लान है, जिससे वो यूक्रेन की रणनीति को कामयाब नहीं होने देना चाहते। कुर्स तो कभी भी वापस ले लिया जाएगा, लेकिन पुतिन लुहांस और डोनेस्क को किसी भी कीमत पर कब्जे में बनाए रखना चाहते हैं। कुर्स्क क्यों युद्ध का एपिसेंटर बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी ध्वज लग चुका है। रूस के इलाके में यूक्रेन की यह अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है। लगातार यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन रूस ने अभी भी फोकस यूक्रेन के इलाकों पर किया हुआ है। कुर्स्क में रूस ने अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजे हैं। कुर्स्क को लेकर रूस अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं है, जबकि यूक्रेन कुर्स्क से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। अगर कुर्स्क से आगे यूक्रेनी सैनिक बढ़े तो यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तब रूस को फैसला करना होगा कि वो सुरक्षा करे या यूक्रेन पर आक्रमण। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के लिए कुर्स्क अभी तक की सबसे बड़ी जीत साबित होता जा रहा है, क्योंकि पहली बार रूसी सरहद पार करके यूक्रेनी सैनिकों ने डेरा जमा लिया है। ऐसे में रूस क्यों कुर्स खाली नहीं करा पा रहा है, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे एक बड़ा कारण बता रहे हैं।
रूस नहीं चाहता कि वो अपने जीते हुए इलाके हार जाए, इसलिए कुर्स्क दांव पर लगाया गया है। लुहांस्क और डोनेस्क में रूस की सेना डटी हुई है, यूक्रेन वहां अपनी फौज तैनात करना चाहता है। कुर्स्क और लुहांस्क की दूरी करीब 560 किलोमीटर है, वहां तक रूसी सेना को डिप्लॉय होने में करीब 10 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी रूस कभी भी लुहांस्क से सैनिक भेज सकता है, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले रहा है क्योंकि रूस के लिए लुहांस्क और डोनेस्क इस वक्त ज्यादा अहम है। पुतिन जानते हैं लुहांस्क और डोनेस्क को हार जाने का मतलब है कि यूक्रेन को बढ़त मिलना, जबकि कुर्स्क से तो कभी भी यूक्रेनी फौज को खदेड़ा जा सकता है। जबकि यूक्रेन अलग प्लानिंग से चल रहा है, कुर्स्क पर कब्जा करके वो लुहांस्क और डोनेस्क की रसद काटना चाहता है, जिससे मजबूरी में रूस को लुहांस्क और डोनेस्क से सेना हटानी पड़े। ऐसे वक्त में यूक्रेन वहां कब्जा कर ले। कुर्स्क के बदले लुहांस्क और डोनेस्क की डील करने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है, लेकिन पुतिन इस चाल को समझ चुके हैं। ना तो उन्होंने लुहांस्क खाली करने का आदेश दिया है, बल्कि यूक्रेन पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि बीती रात यूक्रेन के लिए सबसे खराब रात थी। रूस ने यूक्रेन में धुआं धुआं कर दिया। रूस अब कुर्स्क का बदला यूक्रेन को दहला कर ले रहा है। इसके लिए कुछ घंटे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें कीव की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि क्रिवगोरोद और पोल्तावा में भी भारी तबाही मचाई गई है और इन इलाकों में रूस ने सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इन सब के अलावा कई शहरों में भी सुखोई 35 से बमबारी की गई है, जिसमें सुमी का निशाना बनाने का भी जानकारी सामने आई है, जबकि खार्कीव, चेरकासी और चेनीगोव से आगे बढ़कर यूक्रेनी सैनिकों के पीछे उन्हें धकेलने की खबर है। और इस दौरान रूसी जेट बम बरसाते रहे हैं, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करते रहे। रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जबकि यूक्रेन को लग रहा था कि रूस कुर्स्क में सैनिक भेजेगा, लेकिन रूस ने अलग रणनीति अपनाई है। रूस अब लुहांस्क और डोनेस्क को अभेद्य किला बना रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये लुहांस्क में मिलिट्री व्हीकल से हथियार पहुंचाने का वीडियो है, जिस पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। डोनेस्क की बॉर्डर लाइन के पास ये हमला किया गया। देखिए कैसे मिलिट्री व्हीकल ड्रोन स्ट्राइक में खाक कर दिया गया। हमले के बाद कई फीट ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। इसी तरह के हमले और ज्यादा किए जा सके और रूस को बैकफुट पर लाया जा सके, इसके लिए ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने ज्यादा से ज्यादा हथियारों के साथ रूस की जमीन पर हमले की मंजूरी देने की मांग की है। दरअसल ये डिमांड इसलिए उठने लगी है क्योंकि यूक्रेन कुर्स्क में बेहद हमलावर है। अब वो आगे रूस के दूसरे शहरों को दहलाए, इसके लिए हथियार चाहिए। जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा डोनेस्क में रूसी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इस एयरबेस पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात की गई थी। इसके जवाब में रूस ने विध्वंसक पलटवार किया है। हमले में यूक्रेनी MiG-29 को मार गिराया। जबकि नीपर नदी के पास तैनात पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर दिया, साथ ही एक सैन्य ठिकाना भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के 14 शाहिद ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। यूक्रेन ने एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, इसका मतलब है कि आज की रात भी यूक्रेन दहल सकता है।
जबकि ज़ेलेंस्की कोर्स में रसद रोक कर लुहांस्क और डोनेस्क जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। उधर क्रेमलिन ने क्रीमिया से लेकर कीव तक लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में हिजबुल्ला का रॉकेट हमला हुआ है। रॉकेट हमले से इमारत में आग लग गई है, बहुत ज्यादा आग लगने की खबर है। आग की खतरनाक लपटों से ये पूरी इमारत घिर गई है। चौबीस घंटे पहले तक इसराइल पर ईरानी हमले का संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब नेतन्याहू ने इस संकट को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। आज रात IDF ईरान पर सीधा हमला कर सकती है। दावा है कि इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। इंतजार सिर्फ नेतन्याहू की हरी झंडी का है। प्रधानमंत्री ऑफिस से कॉल मिलते ही इजरायली फाइटर जेट ईरान पर बड़ा हमला कर देंगे। सवाल है कि क्या अब अरब में संधि के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या आज रात जंग का नया गेटवे खुलने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। इसराइल के सभी एयरबेस पर हलचल तेज है। फाइटर जेट्स के टैंक फुल हो चुके हैं, मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। हर पायलट को उसके टारगेट की सटीक लोकेशन दी जा चुकी है। इसराइल में सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू की हरी झंडी का। इशारा मिलते ही सदी की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक होगी। तेल अवीव से उड़े F-16 और F-35 फाइटर जेट हर उस जगह को टारगेट करेंगे जहां ईरान ने तबाही मचाने के हथियार रखे हैं। हर उस मिसाइल साइट और एयरबेस को IDF राख बना देगी जो इसराइल में तबाही मचाने के लिए बना था, और ये सब होगा आज रात। दावा है कि आज रात इसराइल ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। IDF का प्राइमरी टारगेट ईरान के न्यूक्लियर बेस हो सकते हैं। इसके अलावा इसराइल ईरान के आर्मी बेस, एयर बेस, हथियार डिपो और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को निशाना बना सकता है। इन सभी दावों के पीछे सिर्फ 24 घंटे पहले हुई इसराइल की ड्रिल है, जिसमें इजरायली पायलट्स ने हवा में फाइटर जेट रिफ्यूल करने की प्रैक्टिस की। यह इजरायली एयरफोर्स की उसी प्रैक्टिस का वीडियो है। वीडियो में इसराइल के 8 फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका का बोइंग 707 एयरक्राफ्ट मौजूद है। ये सभी विमान एक फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं, जबकि एक फाइटर जेट हवा में ईंधन भर रहा है। वीडियो में नजर आ रहे 4 F-35 फाइटर जेट हैं, जबकि 4 F-16 फाइटर जेट हैं। वीडियो में एक एक कर सभी फाइटर जेट बोइंग 707 एयरक्राफ्ट के जरिए हवा में ईंधन भरते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रैक्टिस के पीछे इसराइल की प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटजी है। इसराइल ईरान पर हमला क्यों कर सकता है, ये जानने के लिए आपको प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटजी सालों पुरानी रणनीति है। इसे युद्ध में रणनीतिक लाभ लेने के लिए अपनाया जाता है। इसमें एक देश दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, ताकि दुश्मन देश के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर उसे कमजोर किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी साइबेरिया पर इसी तरह हमला किया था। इसराइल ने जून 1967 में मिस्र पर प्रीएम्प्टिव हमला किया था।
इसराइल तय कर चुका है कि वो हर हाल में ईरान के खतरे को मिटा कर रहेगा। इसराइल चाहता है कि पश्चिम उसकी मदद करे। ब्रिटेन और फ्रांस से वो खुलकर युद्ध में शामिल होने की मांग कर चुका है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी और फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉन इस वक्त इसराइल में हैं। ये तस्वीरें यरूशलम की हैं, जहां दोनों की इसराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इजरायली विदेश मंत्री ने जंग की स्थिति में खुलकर साथ देने की उम्मीद जताई। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, ईरान हमला करता है तो हम आपकी मदद की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि गठबंधन न सिर्फ रक्षा करने में हमारे साथ है, बल्कि ईरानी जमीन पर हमले में भी आप हमारा साथ देंगे। इसराइल का इरादा पक्का है। उम्मीद है वो आज रात ही हमले को अंजाम दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 24 घंटे में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसराइल उससे पहले ही ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक करना चाहता है। अमेरिका ने करीब दो हफ्ते पहले ईरानी हमले का इनपुट दे दिया था। वो हानिया की मौत का बदला तो लेना चाहता है, लेकिन अभी तक हमले के तरीके को लेकर कंफ्यूज है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान प्रॉक्सी संगठनों से बड़े हमले करवाना चाहते हैं। आईआरजीसी कमांडर ईरानी धरती से सीधा इसराइल पर हमले की वकालत कर रहे हैं। आईआरजीसी में एक गुट इसराइल पर एटमी हमले के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि इसराइल की ट्रेनिंग के बाद से ईरान का यह कंफ्यूजन दूर होता दिख रहा है। ईरान को इसराइल के हमले की भनक है, ऐसे में उसने एक वीडियो जारी कर इसराइल को चेतावनी जारी की है। ये ईरान की नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो है। इस वीडियो में कई लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें नजर आ रही हैं। वीडियो जारी करने के कुछ ही मिनटों बाद आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पकपोर का बयान सामने आया है, जिसमें इसराइल के लिए बड़ी धमकी छिपी है। ईरान का दावा है कि खुर्रम शहर मिसाइल जैसी कई और मिसाइलें भी ईरान के जखीरे में मौजूद है। साफ है बारूद के ढेर पर बैठे अरब में ईरान और इसराइल चिंगारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज ही खाड़ी में युद्ध की अग्नि भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, खेरसोन में रूसी सेना का एमएलआरएस अटैक हुआ है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रॉकेट की बरसात हुई है। हमले में यूक्रेन के 9 सैनिक मारे गए। इसराइल पर लगातार हमले कर रहा हिजबुल्ला अब और ज्यादा विध्वंसक हो चुका है, क्योंकि उसके पास रूस और ईरान से लगातार हथियारों की खेप पहुंच रही है। इस बीच ऐसा अस्त्र हिजबुल्ला को मिला है जो इसराइल में भारी तबाही की गारंटी बन सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार जिसके मिलने के बाद हिजबुल्ला की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इसराइल एक बड़े संकट में घिर गया है। पहले से ही ईरानी प्रॉक्सी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जबकि अब हिजबुल्ला ने सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली। इसके लिए हथियार भी हिजबुल्ला के पास पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ये समझिए कि युद्ध में हिजबुल्ला कौन सा नया प्रयोग करने जा रहा है। हिजबुल्ला अब ड्रोन स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जबकि अब से पहले वो रॉकेट से हमले करता रहा है।
लेकिन ड्रोन स्ट्राइक के जरिए वो इसराइल में भारी तबाही मचा सकता है। हिज़्बुल्लाह को ड्रोन भी रूस से सप्लाई हो रहे हैं, जबकि शाहिद ड्रोन ईरान से मिलने की खबर है। दरअसल हिज़्बुल्लाह को युद्ध का ये आइडिया रूस यूक्रेन युद्ध से आया है। हिज़्बुल्लाह इसी तरह ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जैसे रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। अब इसराइल पर रूस से मिले ड्रोन से हमला किया जाएगा, खास तौर से उत्तरी इसराइल पर हमले किए जाएंगे, यानी अब इसराइल में भी यूक्रेन जैसी तबाही दिख सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस से ईरान तक ड्रोन पहुंचेंगे, उससे आगे फिर इराक सीरिया से होते हुए लेबनान तक ड्रोन की खेप पहुंचाई जाएगी। यानी हिज़्बुल्लाह लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि इसराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह ठिकानों को तबाह करके उसे मौका नहीं देना चाहता है। लेबनान में इसराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये उसी का वीडियो है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के मारून अल रास और आयत अस शाब में कुछ घंटे पहले बमबारी की, जिसमें हिज़्बुल्लाह के दो कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा इसराइल के फाइटर जेट ने कफर इलाके में एक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में हिज़्बुल्लाह ने हथियार छुपा कर रखे थे। इन हमलों में 8 हिज़्बुल्लाह लड़ाके मारे गए, जबकि 4 जख्मी हो गए। कई बम रिहायशी इलाकों में भी गिरे, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गई। लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के हमलों में 12 सिविलियंस की मौत हुई है, जिसमें 6 बच्चे थे। इसराइल का ये हमला हिज़्बुल्लाह के पास ड्रोन की खेप पहुंचाने की खबर के बाद हुआ है। हिज़्बुल्लाह के पास कौन कौन से ड्रोन पहुंचे हैं उसके बारे में बताया गया है कि स्वार्म ड्रोन, डॉग ड्रोन और शाहिद ड्रोन। अब हिज़्बुल्लाह इनका इस्तेमाल हमले में करने वाला है। दूसरी तरफ सीरिया में इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रूट से लगातार हथियार हिज़्बुल्लाह तक पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा में एक बार फिर से अचानक इसराइल के हमले तेज हो गए हैं। गाजा में IDF की बमबारी इसलिए भीषण हो गई क्योंकि कतर में युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। हमास का आरोप है कि शांति समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेतन्याहू बाइडेन के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो गाजा का अंजाम क्या होगा। आसमान से बम बरस रहे हैं, नीचे इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। हर धमाके के साथ बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। गाजा में इजरायल ये भीषण हमले उस वक्त कर रहा है जब युद्ध विराम को लेकर कतर में इसराइल और हमास के बीच बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। IDF के नए और विध्वंसक हमलों की वजह से गाजा की धरती शमशान बनती जा रही है। राफा में IDF के लड़ाकू विमानों ने आधी रात को कई इलाकों में इस तरह से हमले किए। खान यूनुस में भी कई मिसाइलों की बरसात हुई। IDF के हमले में 3 इमारतें तहस नहस हो गईं।
इजरायली सेना ने अल नुसरत रिफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। हमले में न सिर्फ इमारतें तबाह हो गई बल्कि आधा दर्जन लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में लोगों का आरोप है कि वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली लोग उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। गाजा में इसराइल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि युद्ध विराम के मसौदे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। हमास के मुताबिक इसराइल ने जो वादा किया था उससे मुकर रहा है। नेतन्याहू उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं जिसे 2 जुलाई को बाइडेन ने दिया था। इसराइल फिलाडेल्फिया और नेतजारिम कॉरिडोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम की अमेरिकी कोशिशों पर पानी फिरता जा रहा है। अब हमास ने अमेरिका से कहा है कि वो इसराइल पर प्रस्ताव को मानने का दबाव डाले, लेकिन गाजा में इसराइली सेना का आक्रामक रुख बता रहा है कि नेतन्याहू प्रस्ताव को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। गाजा में इसराइल की बमबारी तेज हुई तो हमास ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। हमास ने लड़ाकों से ड्रोन से उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें आईडीएफ के सैनिक मौजूद थे। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायली सेना के एक टैंक की भी कब्र खोद दी। इसराइल के हमले को लेकर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गाजा में इसराइल का हमला आतंकी हमला है, इसे तत्काल रोकना होगा। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना को ऐसे विरोध से कोई असर नहीं पड़ रहा है। गाजा में इसराइल का ऑपरेशन हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन के नए ड्रोन की एंट्री होने वाली है। ये ड्रोन यूक्रेन सेना के विध्वंस की गारंटी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस का नया ड्रोन 250 किलो यानी 250 किलो का है और फैब 250 बम लेकर उड़ने में सक्षम है। अगर ऐसा वाकई संभव है तो यूक्रेन सेना के लिए आने वाले दिन बहुत ज्यादा विध्वंसक होने वाले हैं। पुतिन यूक्रेन आर्मी में अब तक की सबसे बड़ी तबाही लाने वाले हैं। ऐसी तबाही जिसके सामने ज़ेलेंस्की के जवान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तबाही के सेंटर में होगा फैब बम, जिसे टारगेट पर हिट करने से रोकना यूक्रेन के लिए अब बड़ी चुनौती होने वाला है। रूस यूक्रेन की जंग 2.5 साल से जारी है। जंग में सैकड़ों सैनिक इसी तरह ड्रोन से बम गिराकर मारे गए। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे ड्रोन्स को ट्रेस करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होता है। अब रूस ने ऐसा ही एक ड्रोन तैयार किया है जो फैब 250 ड्रोन दुश्मन पर गिराने की काबिलियत रखता है। इस ड्रोन का नाम है मोटिलोक ड्रोन, जिसे रूस में ही बनाया गया है। मोटिलोक ड्रोन की पहली झलक हाल ही में आर्मी डिफेंस एक्सपो के दौरान दिखी। इस दौरान ड्रोन पर एक फैब 250 बम लोड था। मोटिलोक ड्रोन का वजन करीब 25 किलो है। यह अपने साथ 300 किलो तक पेलोड लेकर उड़ सकता है। बेहद कम ऊंचाई से दुश्मन पर बम गिराने की काबिलियत रखता है। दावा है कि यह फैब 250 बम लेकर उड़ने में सक्षम है। रूस का दावा है कि मोटिलोक दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से तैयार किया गया है। दावा है कि दुश्मन के लिए इसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी ड्रोन को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल यह ड्रोन फैक्ट्री टेस्टिंग मोड में चल रहा है, जहां अगर यह पास होता है तो इसे बहुत जल्द रशियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तुर्क
तुर्की की संसद में जबरदस्त मारपीट हो गई है। किसी बात पर सत्ता और विपक्ष के लोगों के बीच पहले हाथापाई शुरू हुई और फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कई सांसद जख्मी हो गए और संसद के फर्श पर कई जगह खून फैल गया। क्यों हुए संसद के भीतर सांसदों के बीच ये फाइट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पोडियम पर तुर्की के सांसद ने ऐसा कुछ कहा कि अचानक विपक्षी पार्टी के सांसदों ने हमला कर दिया। हमला हुआ ही था कि दूसरे पक्ष के लोग भी दौड़ पड़े। दो लोगों की हाथापाई से शुरू हुई ये लड़ाई अचानक एक बड़े घमासान में तब्दील हो गई। कुछ सांसद एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे तो वहीं कुछ बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे थे। जब ये हाथापाई और मारपीट रुकी तो तुर्की की संसद में कई जगहों पर खून के धब्बे थे। अब आपको इस झगड़े की वजह बताते हैं। तुर्की में विपक्षी पार्टी के सांसद अहमद सिक पोडियम पर खड़े होकर बोल रहे थे। सांसद अपने एक सहयोगी को संसद में शामिल कराना चाहते थे। सहयोगी सांसद पर सरकार विरोधी प्रदर्शन की साजिश का आरोप है। अहमद सिक ने रूलिंग पार्टी के सांसदों को सबसे बड़ा आतंकवादी कह दिया। इसी बात पर सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सांसद पोडियम पर खड़े अहमद सिक को मुक्का मारने के लिए दौड़े। इसके बाद दोनों तरफ के कई सांसद इस मारपीट और हाथापाई में शामिल हो गए। इस दौरान राष्ट्रपति एर्दोगान संसद में मौजूद नहीं थे। हंगामे में दो सांसद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। अमेरिका सोवियत एरा के ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जो आने वाले वक्त में युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। इसमें वॉरशिप और कार्गो प्लेन की सभी खूबियां होंगी। अमेरिका का दावा है कि यह समंदर, रेगिस्तान और बर्फीले युद्ध क्षेत्र में सेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह सोवियत संघ के जमाने का कैस्पियन सी मॉन्स्टर है जो कोल्ड वॉर के दौरान समंदर पर राज करता था। लहरों से बात करता एक ऐसा ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल जिसमें एक वॉरशिप और कार्गो शिप की खूबियां थी। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के साथ इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। अब 34 साल बाद समंदर के ऐसे ही दैत्य पर अमेरिका काम कर रहा है जो आने वाले सालों में ना सिर्फ समंदर बल्कि रेगिस्तान और बर्फीले इलाकों पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। इसका नाम है लिबर्टी लिफ्टर। लिबर्टी लिफ्टर 81,000 किलो से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इसकी स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी।